हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। गाइज, आज बताने वाले हैं कि मूवीज सॉफ्टवेयर में आप किसी भी करेक्टर को एक से ज़्यादा बार किस तरीके से स्टैंड या से डाउन कराया जा सकता है। गाइज, तो बने रहिए इस वीडियो में, इस वीडियो को पूरा देखिए। गाइज, एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था कि किस तरीके से हम करेक्टर को स्टैंड या से डाउन करा सकते हैं वीडियो में एक से ज़्यादा बार, तो हम आज वही बताने वाले हैं। का एरो बटन दबा करके आगे चले गए हैं और इस तरीके से हम आपको अच्छे से सेट करके दिखाएंगे। और कैरेक्टर को जहां भी सेट कराना हो तो आपको सिंपली क्या करना है, उसके पास ले जाना है और कुछ कैमरे का एंगल इस तरीके से रखना है। अगर आप सीट का दिखाना चाहते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कुछ ऐसा एंगल है, और थोड़ा सा इसको हम इस पास में ले चलते हैं कि बैठने पर बेंच पर ही आए एडजस्ट हो। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है, जो कि सिलेक्टेड है, डायरेक्ट में आपको जाना है, डबल क्लिक नहीं करना, नहीं तो इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। आपको सेलेक्ट खाली करना है, डायरेक्ट में जाएंगे और करेक्टर एक्शन में आपको जाना है। ओके, करेक्टर एक्शन में जैसे ही आप जाते हैं तो सिंपली आपके सामने ये कुछ प्रॉपर्टी या बॉक्स आ जाएगा। अगर आपका इस तरीके का टाइम लाइन बॉक्स नहीं आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर आप इस मिनिमाइज़ करेंगे इस तरीके से, मतलब इस तरीके से करेंगे। ओके, तो ये बॉक्स आपको टाइमलाइन बॉक्स आपका आना चाहिए। ओके, तो टाइमलाइन आपका आना चाहिए, ये टाइमलाइन आप यहाँ पर कहीं भी सेट करके रख सकते हैं। उसके बाद अब आपको स्विच टू प्रिपेयर पे करेंगे, ऑटोमेटिक टाइमलाइन गायब हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें सिंपली हैप्पी पे क्लिक करना है या फिर फर्स्ट ब्लॉक यहाँ पर क्लिक कर लेना। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं सीट का ऑप्शन है, सीट पर क्लिक करेंगे, कर लिया। फिर सेकंड बॉक्स पे करेंगे, अब सेकंड बॉक्स पे हम स्टैंड करेंगे। ओके, हम यहाँ देख सकते हैं दो बॉक्स सिट एंड स्टैंड हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो शायद अब हम इसको स्विच टू डायरेक्ट करेंगे। ओके, यस, स्विच टू डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर स्विच टू डायरेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं टाइम रिकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे यहाँ पर, और रिकॉर्डिंग जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सिट करेंगे तो यहाँ बैठ चुकी है, और स्टैंड करेंगे तो ये स्टैंड हो चुकी है। यहाँ पर सिट करेंगे, स्टैंड करेंगे, सीट स्टैंड, सीट स्टैंड, जितनी बार करना चाहते हैं कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर अब इसको रोक देते हैं और कंट्रोल टी दबाते हैं, कंट्रोल टी दबाने से टाइमलाइन आ जाता है। देख सकते हैं ये हमारा रिकॉर्डिंग हो चुका है, इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ से स्टार्टिंग में कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से ओपन करते हैं, देख सकते हैं ये देख सकते हैं ये स्टैंड सीट, और इसको आप जितना भी चाहें मतलब आप टाइमलाइन को सेट कर सकते हैं कहीं भी रख करके, तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक डेफिनेटली करके ही जाएगा, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं गाइस, तो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय।